देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर कालाडूंगी से है। शुक्रवार को तहसील परिसर में बकरा ईद के त्योहार के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय व धर्म गुरुओं की सात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ पंकज गैरोला, थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत, ईओ प्रतिभा कोहली के समक्ष लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे। सीओ पंकज गैरोला ने नगर पंचायत को निर्देशित कर पानी की सप्लाई व सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। एसडीएम गौरव चटवाल ने कहा कि ईद आपसी सौहार्द बनाने का संदेश देता है। इस समय कोरोना काल में ईद को सादगी के साथ मनाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना जरूरी है। थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत एवं ईओ प्रतिभा कोहली की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें त्योहार को सौहार्द शांतिपूर्ण ढंग से मिलजुल कर मनाने की अपील की गई। इस अवसर पर मौजूद गणमान्य नागरिकों से उनके विचार और समस्याएं आमंत्रित किए गए। थाना अध्यक्ष महंत ने लोगों से किसी भी समस्या के लिए पुलिस को सूचित करने को कहा। सीओ पंकज गैरोला ने कहा, इस कोरोना घातक जैसी बीमारियों ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। सभी लोगों से ईद के त्योहार को सादगी से मनाने की अपील की। बैठक में मौजूद जामा मस्जिद के सदर वकील अहमद ने कालाडूंगी नगर में सबसे ज्यादा समस्या पीने के पानी की रखी, जिस पर एसडीएम ने मौके पर नगर पंचायत ईओ को पानी के टैंकर से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक ईद का त्यौहार मनाया जाता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से ईद पर सभी एहतियाती कदम उठाने होंगे। उन्होंने बताया, कालाडूंगी वार्ड 4 में एक ही जगह निर्धारित जगह की है और वहां जाकर कुर्बानी करें, लेकिन सरकार की तरफ से जो नियम बताए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, ताकि और कोई बीमारी ना फैले। पहले ही एक बीमारी के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है। उन्होंने मुस्लिमों से गुजारिश की है, सड़कों पर कुर्बानी ना करें। कुर्बानी के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको नगर पंचायत द्वारा कराए गए गड्ढे में दफन करें, आसपास के कूड़ेदानों में ना डालें। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि कुर्बानी करते वक्त सभी एहतियाती कदम उठाएं, खास तौर पर कुर्बानी करने का दिखावा ना करें, किसी तरह का कोई वीडियो ना बनाएं। आप देख रहे हैं कालाडूंगी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। आने वाला है हमारा ईद उल जुहा, उसके लिए हमने आज एक बैठक आयोजित की थी यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, और उसमें हमारा जो जोर था वही जो आजकल कोरोना महामारी का प्रकोप है उसमें किस तरह से इस त्यौहार को किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। तो उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जैसे पिछली बार ईद की नमाज सब जगह अदा की गई थी, उसमें 5 लोग 6 लोग नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग घर में रहेंगे, और कुर्बानी में भी जो है कम से कम लोग जो है शामिल होंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। आज ईद उल जुहा के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय मुस्लिम धर्मगुरुओं, मुस्लिम जनता के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनके संग यहाँ प्रशासनिक अधिकारी अजीम साहब मेरे द्वारा, थाना प्रभारी व ईओ नगर पालिका के मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में प्रमुख रूप से कुर्बानी दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई। ईद उल फितर के ईद उल जुहा के दिन नमाज अदा कैसे की जानी है उसके संबंध में चर्चा हुई। सब चर्चा के उपरांत इसमें जो निर्णय निकल के आए हैं उसमें सभी धर्मगुरुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ को कम करना, उन सब को लेकर आप लोग भी राय लेकर जिस पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।